चारों तरफ घना जंगल, न सड़क न पुल पुलिया, कहीं पहाड़ तो कहीं ढलान, कहीं नदी तो कहीं रपटा, कहीं माइंस पिछी हुई तो कहीं नक्सलियों का खौफ। ये है झारखंड में नक्सलियों का अड्डा। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रिपोर्टर्स ने पूर्व नक्सली से बात की। बड़ा विकास 20 सालों तक नक्सली रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक है, नक्सलवाद वहाँ से खत्म हो गया है जैसा ये लोग दावा कर रहे हैं? आप देखिए, इन लोग का तो अपना ढंग से दावा है, लेकिन अभी तो है लोग उधर। वहाँ तो एक समय में बहुत से लोग रहता था, लगभग 150, 200, 300 वैसे रहता था। अभी तो उन लोग उस जगह को खाली करके दूसरा पॉइंट में चले गया है। अगर पुलिस का अभियान खत्म हो जाएगा, कैंप वहाँ से हट जाएगा, तो उन लोग निश्चित तौर पर वहाँ जाएंगे। रिपोर्टर्स ने गाड़ी थाने में खड़ी की और आगे का सफर बाइक से शुरू किया। ये बाइक पुलिस वालों को सरकार ने ही दी थी। 10 बाइक पर 20 जवान और रिपोर्टिंग टीम, किसी के लिए सभी जवान AK-47 से लैस थे। कच्ची सड़क पर बाइक बार बार मिट्टी में धस जाती है, तो कहीं पत्थर तो कहीं पानी, बड़े बड़े गड्ढे। रास्ते में जगह जगह पर CRPF और झारखंड पुलिस के 1-1, 2-2 जवान AK-47 लेकर खड़े हैं। कुछ के पास किसान राइफल भी है। कुछ दूरी तय करने के बाद बूढ़ा नदी पड़ी, जिसे पार करने के लिए पुलिस के जवानों ने रेत की बोरियों से टेम्परेरी पुल बनाया हुआ है। बोरियों के ऊपर सीमेंट के बड़े पाइप हैं, इन पर बाइक के लिए पहिए स्लिप होते हैं, लेकिन रिपोर्टर जैसे तैसे आगे निकल जाते हैं। ऐसे दो पुलों को क्रॉस करके करीब 12 बजे रिपोर्टर्स तेसिया गांव में दाखिल हुए। गांव में घुसते ही फोर्स का कैंप दिखता है। यह कैंप अभी भी CRPF के जिम्मे में है। झारखंड पुलिस की स्पेशल यूनिट भी यहां तैनात है। कैंप में बिजली के लिए जनरेटर है, सोलर पैनल भी लगा हुआ है। 20 साल नक्सली रहे बड़ा विकास, बोले कैंडर में 30 से 70 साल तक के मेंबर। क्या बूढ़ा पहाड़ से सच से नक्सली भाग गए? यह सवाल रिपोर्टर्स ने विकास से पूछा। बड़ा विकास 20 साल तक नक्सली रहे हैं। 2 साल पहले ही वे जेल से बाहर आए हैं और इसी एरिया में काम करते थे। विकास कहते हैं कि लोकल जर्नलिस्ट मनीष उपाध्याय के मुताबिक बूढ़ा पहाड़ पहाड़ों की एक सीरीज है। इन पहाड़ों को जितना नक्सली जानते हैं, उतना फोर्स भी नहीं जानती है। पुलिस के इन इलाकों में कैंप बनाने से नक्सलियों को राशन और सामान की सप्लाई में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन यह कहना गलत है कि वे एरिया छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस की ऑपरेशन चलने से वे छिप जरूर गए हैं, लेकिन भागे नहीं हैं। नक्सली 100 से 150 के समूह में घूमते हैं। इनमें नई उम्र के लड़के भी हैं जो उगाही के लिए नक्सली बन गए हैं। ऐसे कई बार देखने में आया है कि पुलिस के ऑपरेशन के वक्त ये लोग जमीन में हथियार गाड़ कर गाँव में खेती किसानी करने लौट आते हैं। ऑपरेशन बंद होते ही फिर एक्टिव हो जाते हैं। जंगलों में जो भी ठेकेदार काम करने जाता है, उसे नक्सलियों को 10 से 20% कमीशन देना होता है। बिना कमीशन के कोई काम नहीं कर सकता, इससे नक्सलियों को अच्छी खासी कमाई होती है। ऐसे में वे आसानी से यह जगह छोड़ने वाले नहीं है। अब लड़ाई विचारधारा की नहीं, पैसे कमाने की है। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर नवा टोली गांव में कुल 7 घर हैं, जिनमें 6 घर यादवों के हैं। पुलिस ने जो 4 कैंप बनाए हैं, उनमें CRPF की 4 कंपनी और झारखंड जगुआर की एक कंपनी स्थायी तौर पर तैनात की गई है। मतलब ये जवान कैंपों में ही रहना और खाना पीना कर रहे हैं। ठीक 1 महीने पहले शुरू हुए इस ऑपरेशन को फोर्स ने ऑक्टोपस नाम दिया है। पुलिस और CRPF के अधिकारी भी कहते हैं कि कई नक्सली आसपास के जंगल में ही छिपे हुए हैं। एक जगह है जिसका नाम है बूढ़ा पहाड़। वो जब से माओवाद चालू हुआ है, तब से आज तक वो माओवादियों के ही कब्जे में था। माओवादियों का पूरा गढ़ था वहां पर। बहुत अधिक IEDs वहां पर लगा के रखते थे, जिससे वहां पर पहुंचने में बहुत मुश्किल होती थी। पूरी तरह से बूढ़ा पहाड़ को साफ कर लिया गया है। पार्टी लोग पहले आ रहा था, पार्टी लोग बहुत हम लोग को तंग करता था। 100 गो 150 गो 200 ऐसे आता था और कहते हाँ हमको खाना दीजिए। कहाँ से उतना हम खाना देंगे? नहीं, आपसे बोलते क्या थे वो आके, क्या करूँ, क्या बोलते थे आपसे? मीटिंग करते थे, क्या बोलते थे? मीटिंग बोलता है ना कि हाँ कि पुलिस आता है तो सबको देखते रहना, आता है तो बम उड़ाएंगे, तो क्या करेंगे, तो किसे करेंगे, इसे बोलता है। क्या झूठ बोले? यहाँ पर दिक्कत था बहुत। आंगनबाड़ी नहीं था, सहिया भी नहीं था, सहेली भी नहीं था, बिजली पानी कुछ नहीं। तो इसके पहले तक यहाँ पे नक्सली रहा करते थे? आता था खाने के लिए, आता था, राइफल ढोके आता था,
तो हम लोग डर में देते थे, बंदूक ढो के आता था नहीं तो डर में देते थे। उन्हें पकड़ने के लिए एक भी स्पेशल प्लान पर काम चल रहा है। हालांकि इस एरिया में आने में अब भी आसपास के लोग डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नक्सली कभी भी अचानक धावा बोल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।